So let us come to understand the next topic of our chapter, why power sharing is desirable. Dear students, power sharing desirable क्यों है? Why should we share power? हमें power क्यों share करना चाहिए? इसका तो हमने example के रूप में देखा, श्रीलंका और बेल्जियम के concept से हमने समझा। अब power sharing क्यों जरूरी होता है? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। Two sets of reasons can be given in favor of power sharing. Why power sharing is desirable? The first one is when we share power, it reduces the chances of conflicts between different social groups. So power sharing reduces the chances of conflicts between social groups. As we know, when there are conflicts between social groups, these conflicts lead to violence. जब अलग अलग समुदायों में distrust की भावना होती है, उनके बीच विवाद होते हैं, तो प्राय हिंसा होती है, violence होती है. और जब हिंसा होती है तो सरकारी अस्थिरता आती है, हमारी सरकारों में अस्थिरता आती है. गवर्नमेंट के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग प्रकार की राजनीति करना शुरू कर देते हैं, और फिर अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपनी कम्युनिटी के आधार पर वोटिंग करते हैं. तो इस तरह से राजनीति में भी उथल पुथल मच जाती है. वायलेंस से लोगों की हत्याएं होती हैं, वायलेंस से देश की प्रगति रुक जाती है. तो इस तरीके से किसी भी देश के विकास के लिए वहां के समुदायों के बीच, वहां के सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना बहुत जरूरी होता है. इसलिए पावर शेयरिंग ये कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस को रिड्यूस कर देता है, या एक सिस्टम देता है जिसके तहत इनके विवाद खत्म हो जाते हैं. अगर किसी देश में मेजोरिटी अपनी इच्छा से शासन थोप देता है माइनॉरिटी पर, तो उसका परिणाम क्या होता है? हो सकता है कुछ समय के लिए ये लगे कि मेजोरिटी तो बड़ी संख्या में है, वो जैसे चाहे वैसे शासन कर सकता है, बट अगर ऐसा होता है तो ये कहा जाएगा इट इज अंडरमाइनिंग ऑफ द पावर ऑफ माइनॉरिटी. कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटी को अंडरमाइन करने की बात कही जाएगी. एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी मच डेंजरस फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन. बिना देश के यूनिटी के देश का विकास संभव नहीं हो सकता. तो अगर हम चाहते हैं कि देश हमारा एक साथ प्रगति करे, सबके साथ मिलकर आगे बढ़े, तो इसके लिए पावर शेयर करना ही एकमात्र विकल्प है. केवल मेजोरिटी माइनॉरिटी पर अपनी इच्छाओं को नहीं थोप सकती. अगर ऐसा होता है तो फिर सिचुएशन श्रीलंका जैसे देखने को मिलेगा ही मिलेगा. तो हमने समझा पहला रीजन कि पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए. तो उसका पहला रीजन ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है. अब आते हैं दूसरे कारण पर. डेमोक्रेसी में जनता सरकार चुनती है. हर देश में जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर लोग रिवॉल्यूशन करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं. किस लिए? डेमोक्रेसी लाने के लिए. तो हम डेमोक्रेसी क्यों चाहते हैं? क्योंकि सरकार हमारे द्वारा चुनी जाए, सरकार हमारी इच्छा के अनुसार शासन करे. हम उस व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारी इच्छाओं का कदर करे, हमारे जरूरतों का ध्यान रखे. यानी डेमोक्रेसी का आधार ही है हर व्यक्ति को इक्वालिटी प्रोवाइड करना, हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना. तो हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. तो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. यानी पावर शेयर करना डेमोक्रेसी की आत्मा है. इसी उद्देश्य से हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, इसी उद्देश्य से हम अपनी सरकार चुनते हैं. लोगों को कैसे यह राइट मिलता है? तो वोट के माध्यम से. जब हम वोट देते हैं तो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में हमारा रोल होता है. और जब हम देखते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट हमारे अनुकूल कार्य नहीं कर रही है, तो फिर अगले इलेक्शन में हम उसे हटा देते हैं. तो डेमोक्रेसी का आधार ही है, उसकी आत्मा ही है, स्पिरिट ही है पावर शेयरिंग. तो बिना पावर शेयर किए हुए
डेमोक्रेसी का होना ये संभव नहीं है। तो हमने दो रीजन पढ़ा, पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी बिकॉज इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड द सेकेंड पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी कैन से द फर्स्ट वन एज प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, लाभ का, यानी जब हम पावर शेयर करेंगे विवाद नहीं होगी तो देश हमारा विकास करेगा, हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, हम एक दूसरे का साथ देंगे और मिलकर के पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये फायदे का सिद्धांत कह सकते हैं इसको, इससे हमारे देश को काफी लाभ मिलेगा। और जो दूसरा रीजन है, हम जो हम कहते हैं कि पावर शेयरिंग इज ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसको हम कह सकते हैं मोरल रीजन, यानी नैतिकता की वजह से भी, चूंकि डेमोक्रेसी पर सबका इक्वल राइट्स होता है तो पावर शेयर करना हमारी मोरलिटी है, तो एक कारण ये, और दूसरा लाभ के दृष्टिकोण से भी। अगर सरकारें ये सोचकर चलती हैं कि हमारे देश का लाभ हो या पॉलिटिकल पार्टीज का भी लाभ हो, तो उन्हें लोगों का सपोर्ट चाहिए, और लोगों का सपोर्ट कब मिलेगा, जब उनको उनका अधिकार मिलेगा। इस तरह से हम फर्स्ट रीजन को प्रूडेंशियल रीजन कह सकते हैं और दूसरे रीजन को मोरल रीजन कह सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयर आर टू रीजंस व्हाई पावर इज शेयर्ड। फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल रीजन, इट सेज दैट व्हेन पावर इज शेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूसेस एंड इट इज नेसेसरी फॉर द बेटरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। द सेकेंड वन इज moral reason, and this is also important because power sharing is the spirit of democracy. Power sharing democracy की आत्मा होती है, power sharing अगर नहीं होगी तो फिर democracy का होना संभव नहीं है। तो हमारी नैतिकता है, morality है कि हम सबको उनका अधिकार प्रदान करें। ऐसे भी अगर हम ये अधिकार प्रदान नहीं करते हैं तो फिर पहले वाली स्थिति आ जाती है, विद्रोह होता है, conflict होता है, और फिर देश में अशांति आती है, देश की आर्थिक क्षति होती है, समाज से शांति खत्म हो जाती है, और फिर देश का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हमने श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखा, श्रीलंका एक तेजी से प्रगति करने वाला देश काफी हद तक पीछे चला गया सिविल वार की वजह से, जहां हजारों या लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे और आर्थिक नुकसान भी हुआ था। तो आइए चलते हैं अब इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक जो दिया हुआ है वो है खलील्स डिलेमा, यानी खलील के दुविधा की स्थिति, खलील को किस तरह की दुविधा की स्थिति फेस करनी पड़ती है इसको हम समझते हैं। तो अब समझते हैं कि खलील का डिलेमा क्या है। यह एक केस स्टडी है जिसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग किस तरीके से होना चाहिए। अगर पावर शेयरिंग सही ढंग से न हो तो यह भी विवाद का कारण होता है और देश की तबाही के पीछे ये सबसे बड़ा रीजन बनता है। तो इस एग्जाम्पल से हम जानेंगे कि किस तरीके से खलील नाम का व्यक्ति पावर शेयरिंग की वजह से मुसीबत में पड़ जाता है और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, या यूं कहें उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। खलील के जो पेरेंट्स हैं वो दो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फादर जहां ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है वहीं मदर सुन्नी मुस्लिम है, और बैरूत में उस समय इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल आम बात थी, ऐसा हुआ करता था। तो बैरूत सिटी में, जो कि लेबनान का सिटी है, तो बेरूत में बहुत सारे प्रकार के कम्युनिटी के लोग यहां रहा करते हैं, ये बिल्कुल ही वहां के लिए कॉमन बात है। हालांकि कुछ समय पहले यहां पर काफी बीटर सिविल वॉर हुआ था जिसकी वजह से काफी अधिक हिंसा यहां पर हुई थी, और उस सिविल वॉर के बाद गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाया ताकि इन विवादों को खत्म किया जा सके। तो वहां पर जो पावर शेयर किए गए वो पावर शेयरिंग का तरीका खलील के नीड को बिल्कुल ही सूट नहीं करता है। तो आइए समझते हैं कि लेबनान में आखिर पावर शेयरिंग किस तरीके से होता है।
So let us come to understand what was the matter of conflict in Lebanon and in the city Beirut. We understood Khalil belonged to two different communities. One from father's side. From father's side, he was Orthodox Christian. But from mother's side, he was Sunni Muslim. In Lebanon, the conflict was between two major communities. They were Christian and Muslim. लेबनान में जो कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था, वो दो बड़े समुदायों के बीच हुआ था, जिसकी वजह से सिविल वार हुआ था, काफी ब्लड शेड हुआ था। ये दो कम्युनिटी कौन कौन से हैं? तो इनमें एक क्रिश्चियन है और दूसरा मुस्लिम है। क्रिश्चियन लोग इस परिस्थिति में फ्रेंच प्रोटेक्शन का डिमांड कर रहे थे। वे अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए फ्रेंच लोगों की सहायता मांग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का डिमांड था कि उन्हें लेबनान से सेपरेट कर दिया जाए, उन्हें अलग कर दिया जाए और वे सीरिया के साथ यूनाइट हो जाना चाहते हैं। दे वॉन्टेड टू बी द पार्ट ऑफ सीरिया, यानी डिवीजन ऑफ द नेशन। इस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देश में विभाजन का खतरा पैदा हो गया था। लेकिन लेबनान की सरकार ने इसमें बदलाव किया। लेबनान की सरकार ने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाया और उन्होंने सबके अधिकारों को देने की कोशिश की। तो आइए समझते हैं कैसे पावर शेयर किया जाता है लेबनान में। तो हाउ पावर इज शेयर्ड इन लेबनान, लेट अस कम टू अंडरस्टैंड पावर शेयरिंग इन लेबनान। पावर शेयरिंग लेबनान में इस तरीके से किया जाता है कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन को दिया जाता है, यानी केवल कैथोलिक क्रिश्चियन ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। सिमिलरली द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वॉज सिक्योर्ड फॉर सुन्नी मुस्लिम। ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुन्नी मुस्लिम विल बी एबल टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। केवल सुन्नी मुस्लिम का प्रतिनिधि ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इन द सेम वे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट वॉज गिवेन टू ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड द पोस्ट ऑफ स्पीकर वॉज गिवेन टू शिया मुस्लिम। नाउ दिस फोर कम्युनिटीज वर देयर इन लेबनान। And the conflicts was solved by sharing power in this pattern. Problem क्या था? Problem अब होता है खलील को। खलील is a person of high ambition. खलील एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और सिर्फ वो सोचता नहीं है बल्कि उसमें काफी काबिलियत भी है। He was a talented person. And he wanted to be the president. He wanted to achieve the highest post in Lebanon. हो भी क्यों नहीं, टैलेंट भी था। जो सिविल वार हुआ था उसमें उसने बलिदान भी दिए थे, उसके परिवार के, उसके अंकल की शहादत भी उसमें हुई थी, वे मारे गए थे। वो प्रेसिडेंट का पोस्ट प्राप्त करना चाहता है लेकिन चाह करके भी वह प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या होना जरूरी है? कैथोलिक क्रिश्चियन। बट खलील इज नाइदर खलील फ्रॉम बोथ साइड्स, नाइदर फ्रॉम फादर साइड नॉट फ्रॉम मदर साइड। फादर साइड से वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, कैथोलिक क्रिश्चियन नहीं है। मदर साइड से सुन्नी मुस्लिम है, कैथोलिक क्रिश्चियन नहीं है। तो डिस्पाइट हैविंग टैलेंट, despite having all the ability, Khalil is not able to get the position of president. उसके पास काफी political knowledge भी है, वो काफी अच्छा है, इसके बावजूद भी उसको यह मौका नहीं मिलता है। क्या हम कह सकते हैं कि इस तरीके का power sharing अच्छा है? क्या ये सबको equal opportunity देता है? Khalil, इसी बात से Khalil को तकलीफ होता है। Khalil ये कहता है कि आखिर क्यों नहीं यहां भी वैसे ही पावर शेयर किए जाते हैं जैसे दुनिया के तमाम देशों में पावर शेयर किए गए हैं। हर एक व्यक्ति को
इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सिंपल वोटिंग हो, वोट में जिस व्यक्ति को मेजोरिटी मिलता हो उसकी गवर्नमेंट बने, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी समुदाय का हो, धर्म का हो, भाषा का हो। अगर ऐसा होता तो खलील आसानी से प्रेसिडेंट बन सकता था, लेकिन ड्यू टू रॉन्ग मेथड ऑफ पावर शेयरिंग इन दिस कंट्री अ पर्सन लाइक खलील इज डिबार्ड फ्रॉम सच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। खलील यहां पर डिवाइड हो जाता है, खलील यहां कंपटीशन से बाहर हो जाता है केवल एक वजह से, और वो है गलत तरीके से पावर का शेयर होना। तो डेमोक्रेसी में केवल पावर शेयरिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर शेयरिंग इस तरीके से होना चाहिए कि सबको इक्वलिटी के साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिल सके, क्योंकि बिना इक्वल अपॉर्चुनिटी के डेमोक्रेसी बेमानी कही जाएगी, डेमोक्रेसी एक तरह से अधूरी कही जाएगी।